बिस्मिल्ल रन रहीम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डी स्टूडेंट्स अस्सलाम असलम आई एम वकास अहमद टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड फोर दिस इज आर यूनिट नंबर सिक्स इट इज़ अबाउट ज्योमेट्री एंड आर लेसन नंबर फोर इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द एसएलओ एल मेयर्स एंगल्स इन डिग्री ये डिग्री की सिम्बल है बाई यूजिंग प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्टर क्या है ये ज्योमेट्रिकल टूल है जिसको हम लोग चूज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को मेयर करने के लिए सो so, अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं हम रैप अप की तरफ चलते हैं सॉरी वार्म अप की तरफ चलते हैं एक एक्टिविटी है परफॉर्म करनी है ऑब्जर्व करें इस वॉल क्लॉक को जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा था तो इस वॉल क्लॉक का एंगल क्या है और इन शेप्स को ऑब्जर्व करें और उनके बाद इनका आंसर दें इन क्वेश्चंस का हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर इसका आंसर राइट करना है कैसे वन इज एन एंगल एंगल क्या है ये हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारे लेसन था उसमें डिस्कस किया था ट्रिकल टूल्स वी यूज टू मेयर द एंगल हम कौन सा ज्योमेट्रिकल टूल यूज करेंगे आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करें और उसमें जो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वो मैं आपको शो करवा देता हूं जिन, जो कि हमारे एंगल्स की मेयरमेंट और कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे एक चीज आप देखें इस तरह का आपको स्केल नजर आएगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में और ये जो स्केल है हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट्स सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल है इसको आप देख लें एंड देन इसके बाद ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं जिनको जो है डिफरेंट टाइप्स की जिनको हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं एंड देन एक और टूल है जो कि डी शेप का है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं ये वाला जो है और ये भी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होगा इसके साथ साथ एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये कंपस होगी जिसमें एक साइड पे नीडल लगी होगी और दूसरी साइड पे आपने अपने पेन को यूज करना होता है तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल टूल यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम लोग जोमेट्रिकल टूल डी शेप्ड ये वाला जो है इसको हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं प्रोटेक्टर यूज करते हैं सो वट इज द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल और उसका जो बेसिक यूनिट है वो डिग्री है दिस इज तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वर्टेक्स क्या है रे टू क्या है और रे वन ये आर्म्स ऑफ एंगल्स हैं और ये वर्टेक्स है आपने ऑब्जर्व करना है अब आपने ट्राई करना है इस टूल को यूज करते हुए इसको मेजर करना आप नोटबुक लें इसी तरह की शेप आपने नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करें और इसको मेजर करने की कोशिश करें यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर अब आ जाए नेक्स्ट आज के जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने डिस्कस करना है मेयर एंगल्स इन डिग्री बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को यूज करते हुए हमने डिग्रीज में एंगल्स को मेयर करना है अब आ जाएं नेक्स्ट ये प्रोटेक्टर है आपके पास देखिए दिस इज द प्रोटेक्टर इस तरह डी शेप का प्रोटेक्टर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होगा और उसमें ऊपर की तरफ सर्कल में नंबर्स राइट होंगे <coughs> जो ऊपर बाउंड्री के साइड पे नंबर्स राइट होंगे उसको हम लोग अपर स्केल बोलेंगे जो के आपके इस साइड से स्टार्ट होता है अपर स्केल इस साइड से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ वन से लेकर एटी तक नंबर्स होंगे इसी तरह जब आप लेफ्ट से साइड से चेक करेंगे वो नीचे की तरफ से कुछ नंबर्स जो हैं राइट right की तरफ सर्कल में ऊपर की तरफ होंगे बाउंड्री से नीचे वाली लाइन में और साथ एक आपको बेस लाइन नजर आएगी और उसके साथ ये डॉट है और जिसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं जब भी आपने एंगल को मेजर करना है उसके लिए बेस लाइन को आपने अटैच रखना है उसके साथ जो गिवन एंगल की आर्म होती है सो so, जो नीचे वाले जो काउंटिंग है नंबर जीरो से लेकर वन एटी तक उसको हम लोग लोअर स्केल कहते हैं और ऊपर वाली जो लाइन है सर्कल में बाउंड्री के साथ नंबर उसको हम लोग अपर स्केल कहते हैं सो so, इसको हम लोग एंगल की मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टर को यूज करते हैं यह चीज आपने याद रखनी है जब भी आपने किसी एंगल को मेयर करना हो तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये वाला इस पॉइंट को आपने क्या करना है उसके वर्टेक्स के ऊपर राइट रखना है और जो बेस लाइन है बेस लाइन को एंगल्स की एंगल जो गिवन एंगल है उसकी आम के साथ रख देना है तो फिर ऊपर वाली जो आम होगी उसको देखना है कि किस स्केल के ऊपर जाके टच हो रही है तो वो उतने डिग्री का एंगल हो जाएगा सो so, प्रोटेक्टर क्या है टूलिंग <coughs> like आपको बता दिया है और इसको आपने मेमोराइज कर लेना है क्योंकि ज्योमेट्री में इसका आपके साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है अगर आपको इस स्केल की रीडिंग नहीं आती तो इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने इस प्रोटेक्टर को यूज करते हुए एंगल्स को मेयर करना है सो so, अब आ नेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्कशीट है जो कि आपने सॉल्व करनी है खुद अपने टीचर के अपने टीचर को बाद में सबमिट करवानी है मेथोडोलॉजी क्या है एंगल्स आपके पास गिवन उन एंगल्स को आपने मेयर करना है देखें ये जो प्रोटेक्टर है मैंने पिक्चर में भी शो करवाया हुआ है आप देखें कि इसका जो मिड पॉइंट है बेस लाइन का प्रोटेक्टर की वो इसके साथ है एंगल्स के एंगल के वर्टेक्स के ऊपर है और फिर उसके बाद ये जो है 180 पे वो जो बेस लाइन है उसके साथ अटैच होता है अब यहां से हम लोग राइट साइड की तरफ से एंगल को रीड करना शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों ने लोअर स्केल को रीड करना है लोअर स्केल जो है यहां पर जो आपके पास आम है एंगल की वो थर्टी फाइव पे आती है सो so, यहां पर सेकंड आम आएगी एंगल की वो उस एंगल की वैल्यू होगी सो so, इसको हम लोग क्या कहेंगे थर्टी फाइव डिग्री राइट कर देंगे सिमिलरली पार्ट बी में देखें यहां पर भी बेस लाइन के साथ आर्म एंगल की अटैच है और उसके साथ आप देखें कि लोअर स्केल जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और अपर स्केल जो है 180 तक फिनिश फिनिश हो रहा है सो आपने लोअर स्केल को रीड करना है जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो आपने लोअर स्केल को रीड करना है जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो अपर स्केल को रीड करना है सो so, हम लोग एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो इसका मतलब है जीरो से लेकर जीरो वाले स्केल को हमने रीड करते जाना है सेकंड आर्म जो है कहां तक जाती है वो जाती है टेन और ये हमारे पास सेवनटी और सेवनटी टू पे सो सेवनटी टू डिग्री जो है इस एंगल की वैल्यू होगी सी पार्ट क्या है सी पार्ट में जो एंगल है यहां से हमने क्लॉकवाइज रीड करना है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है तो अपर स्केल को रीड करेंगे अपर स्केल को रीड किया तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो 19 डिग्री है इसी तरह अगला पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अपने टीचर को ये वर्कशीट सबमिट करवा देनी है तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट रैपअप की तरफ आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज देखी हमारा आज का लेसन था कि मेयर एंगल्स इन डिग्रीज बाय यूजिंग प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को यूज करते हुए एंगल्स को हमने डिग्रीज में मेयर करना है ये देखें अब ये एक एंगल है इसकी मेयरमेंट आप फाइंड करें यूज योर प्रोटेक्टर अब आ जाए वर्कशीट की तरफ सॉरी होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है एंगल की रीडिंग देखनी है कि प्रोटेक्टर के साथ कौन सा एंगल है सो so, आपके पास गिवन एंगल है, उनको करना है और फिर आपने उसकी वैल्यू राइट right कर देनी है इसी तरह आपने प्रोटेक्टर को यूज करना है और ये एथलीट की जो है ये रॉड एथलीट का वो किस एंगल के ऊपर है वन एंगल में देखें साथ प्रोटेक्टर अटैच करें आपको पता चल जाएगा तो जैसा कि मैंने यहां पर अटैच किया

तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है इनशाला वी एल सी इन आर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एस अल्लाह हाफिज